हेलो एवरीवन, मैं आराध्या आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम जो है रेडी हो गए हैं इलाहाबाद जाने के लिए, क्योंकि अचानक से पति जी का फ़ोन आ गया। वो बोले कि चलो जल्दी से तैयार हो जाना और पापा पहुँचा देंगे। तो वो दोनों भाई पहले ही निकल गए। ऐसा कोई प्लान नहीं था, हम लोग जो है 2-3 दिन के बाद ही जाने वाले थे, लेकिन वो बोले कि नहीं, बहुत ज़रूरी काम है, तुम्हें आना पड़ेगा। तो मम्मी बोली कि ऐसा करो, तैयार हो जाओ। तो मैं तो अचक गई, मैंने कहा कह रही मुझे बताया भी नहीं और अचानक से ऐसे बिना बताए जो है फ़ोन भी कर दिए। तो दोस्तों, अब जाना तो पड़ेगा ही, तो कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मैंने अपनी पीली वाली साड़ी पहनी हुई है, आई होप आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो हमेशा की तरह आराध्या फिर से आप लोगों से यही बोलने वाली है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ब्लॉग को देख पाएँ। तो दोस्तों, हमने सोचा चलो थोड़ी सी आप लोगों से गपशप कर लें, फिर चलते हैं। ये देखो, मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, मिस मत करना, ठीक है? आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हैं भाभी जी। चलो मिलते हैं कुछ देर बाद, क्योंकि हमारी कार जो है वहाँ पे खड़ी है। लोगों को दिखाते हैं, ये देखो दिख रहा है नहीं यार, नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, वाइट वाइट, हाँ वो देखो हल्का सा दिख रहा है, तो वहाँ पर खड़ी हुई है। चलो मिलते हैं, बाय। तो दोस्तों, हमारे सारे सामान पैक हो चुके हैं, बस मुझे निकलना है। तो यहाँ पे देखो जानवी हमारी कह रही मम्मा मेरा जो है फ़ोटो निकालो। मैंने कहा ठीक है बेटा, खड़े हो जाओ, हम तुम्हारा फ़ोटो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ पैक हो चुका है, बस इसे कार में रखना है। तो भैया आएंगे अभी, कार में रखेंगे। तो बोली मम्मा मेरे साथ चलो फ़ोटो निकालो। मैंने कहा ठीक है आजा, निकाल लेते हैं माँ बेटी। तो बता दीजिए भैया हमारी जानवी कैसे लग रही हैं आज। जो है जानवी ने बिंदी भी लगाई, बोली मम्मा आपने लगाया है मुझे भी लगा दो। तो यहाँ पे देखो सारे सामान को रखा जा रहा है, और मम्मी जी जो है दूध को बंद कर रही हैं, बच्चों को दे रही हैं दूध ले जाने के लिए। बोले कि कहाँ जो है इतनी जल्दी दूध मिलेगा, क्योंकि दूध आने में भी टाइम लगेगा। इसलिए जो है जब भी हम आते हैं ना घर से जो है प्रयागराज, तो मम्मी दूध दे देती हैं साथ में, और मुझे भी आराम रहता है, बच्चों को भी रहता है। क्योंकि अगर बच्चे भूखे रहेंगे और तो रोना शुरू कर देंगे, तो मैं कहाँ से दूध ला के दूँगी? और दूध वाले को फ़ोन करो तो करीब जो है 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे उन्हें आने में। तो इसलिए जो है मम्मी दूध दे देती हैं और हम ले कर चले आते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा बेड है, हमने 2 चद्दर लगा दिए हैं डबल बेड का, क्योंकि हमेशा खुल जाता था ना, तो इसलिए हमने 2 चद्दर अलग अलग लगा दिए हैं। अब खुलेगा ही नहीं जल्दी ही। दिन ऐसे बीत जाता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता सच में। यहाँ से जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है, मम्मी की याद आती है पता नहीं क्यों। सासू माँ अकेली रह जाती है ना, बोले मम्मी को चलो मेरे साथ, तो कह रही है कि नहीं पापा को कौन देखेगा। सही, ये देखो हम रेडी हो गए, बच्चे हमारे कार तक पहुंच गए हैं। तो हमने सोचा चले अपना थोड़ा सा बेडरूम शेयर कर दे, कभी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करती। जब भी मैं ससुराल से प्रयागराज जाती हूँ, तो कभी भी मैं अपने बेडरूम को शेयर नहीं किया आप लोग के साथ, कभी दिखाया ही नहीं। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने सोचा चलो अपना थोड़ा सा बेडरूम भी शेयर कर देते हैं। सर्दी भी हो गई है, प्रयागराज से जब यहाँ आते हैं ससुराल, तो यहाँ पानी चेंज हो जाता है ना, तो सर्दी तुरंत पकड़ लेती है। और यहाँ जब ठीक हो जाएंगे, जब ठीक हो जाने के बाद जो है जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पकड़ लेंगे। ऐसे मेरे साथ भी होता है, ऐसे हमारे बच्चों के साथ भी होता है, दोनों लोगों के साथ ऐसे ही होता है। तो अब जा रहे हैं सासू माँ को छोड़ के पति के पास, जल्दी फिर आएंगे।
देखो कब आते हैं, लेकिन हाँ इतना तो कह के जाएंगे जल्दी फिर आएंगे। सो गाइस, देख लीजिए हमारे खेत खलियान चना और सरसों बोया गया है। गेहूं की तैयारी शुरू हो गई है, यानी उसकी भराई होगी, फिर उसको सूखा किया जाएगा, फिर उसकी बुआई होगी। तो सभी लोग जो है हमें पहुंचाने आए थे कार तक, और सब वापस जा रहे हैं। तो हमने जो है छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, अभी जो हमारी कार है पीछे की तरफ जा रही थी, और इसके बाद जो है अब आगे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे देखो मम्मी चाची सब हैं, चाचा हैं, बाबूजी हैं, सब लोग छोड़ने आए थे। तो बस हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र की तरफ करीब हम लोगों को लग जाता है जाने में 4 घंटे। 4 घंटे बैठे बैठे कमर ही टूट जाती है सच में तो यहाँ से देखो हमारा घर जो है दिख रहा है दोस्तों, वाइट वाइट कलर में जो आप लोग को दिखेगा वही है हमारा घर। तो सामने जो है पेड़ है ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं म्यूजिक, आप लोग भी इंजॉय कीजिए और हम भी इंजॉय करते हुए चलते हैं पति के पास तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, मिस मत करना। अगर आप मिस कर दोगे तो देखोगे कैसे। तो अभी हमारे पानी पी रहे थे, ये रास्ते का व्यू। शाम होने वाली है और बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हम और जानवी जो है गेट के पास बैठे हुए थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा क्लिप निकालते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। आप लोग देख सकते हो हमारे फेस से ही आप लोग को पता चल रहा है कि कितना खूबसूरत लग रहा है ना, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है ना हमारे फेस पे पड़ रही है। तो दोस्तों ये देखो रात हो चुकी है और हम लोग जो है पहुंच चुके हैं फूलपुर। तो हमने सोचा थोड़ा सा क्लिप आप लोग के साथ शेयर करने के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलो रूम पे मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों। गाइज हम लोग जो है पहुंच गए हैं रूम पे। हम लोग पहुंच गए रूम पे, तो पहुंचते ही साफ सफाई हमारी चालू हो गई थी तो हमने देखो हमारे बच्चे दोनों, हमने रजाई भी निकाल ली है। कितनी ठंडी पड़ रही है ना, क्या हुआ? तो अब जा रहे हैं खाना बनाने, तो हमने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लें, उसके बाद जाएंगे खाना बनाने दोस्तों। और ये देखो मुझे बिस्किट खिला रहे हैं। क्या काटा? नहीं
तो मैंने सारा काम किया, फिर उसके बाद अब जा रहे हैं खाना बनाने। खाने में देखते हैं क्या बनता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे ब्लॉग के साथ। उसका वेट करते रहना, बहुत जल्दी फिर मुलाकात करेंगे। बाय दोस्तों।